दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि आप SDO लेवल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जिन्हें आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, वो कैसे बनाएंगे। कभी कभी जरूरत आवश्यकता अनुसार रेजिडेंस सर्टिफिकेट SDO लेवल का मांगा जाता है, तो ऐसे स्थिति में जानकारी नहीं होने के कारण SDO लेवल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से पूरे विस्तार से SDO लेवल का निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर डाउनलोड करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राज कुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो SDO लेवल का निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिन्हें आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा RajHelps.in। अब RajHelps.in लिख के जैसे सर्च करें तो ये जो पहले वाले लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, आप इस तरह से RajHelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। एक बात ध्यान रहे कि इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करें तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं, सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल तो नीचे की तरफ आना है और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां देखिए आपको अदर कैटेगरी देखने को मिल जाएगा और अदर कैटेगरी में पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा बिहार आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई 2023। इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, यहां देखिए RO लेवल का आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दिया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ के पहले आप RO लेवल यानी कि राजस्व अधिकारी स्तर का निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए। अब जैसे आपका राजस्व अधिकारी यानी कि RO लेवल का निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, उसके बाद आप SDO लेवल का निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्ट टेल लिंक और यहाँ देखिए दूसरे नंबर में SDO लेवल रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई क्लिक हेयर। सिंपली आपको क्लिक हेयर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्व अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संख्या, तो जो आपका RO लेवल से निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है और जो निवास प्रमाण पत्र नंबर दिया गया वही जो से निवास प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास एक ये निवास प्रमाण पत्र है RO लेवल का और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र संख्या दिया गया, तो ये जो प्रमाण पत्र संख्या यही नंबर आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दूसरी ये जो नाम दिया गया इंग्लिश में हूबहू यही नाम आपको लिखना होगा। तो जो भी आपका RO लेवल पे जो सो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है, उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो निवास प्रमाण पत्र संख्या RO लेवल का एंटर कर लेना है। तो मैं कॉपी कर रखा था, मैं इस तरह से पेस्ट कर लिया हूं और पेस्ट करना दोस्तों आपको सिंपली गेट डिटेल्स पे इस तरह से क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, यहां देखिए आपका पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो जब आप RO लेवल यानी कि राजस्व अधिकारी स्तर के निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसमें जो भी आप डिटेल्स फिलअप किए होंगे वो सारा डिटेल्स यहां पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। आप दोस्तों यहां पे देखिए ये जो जानकारी आपसे मांगा जा रही है कभी कभी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाते हैं और कभी कभी आपको खुद से यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों के RO लेवल यानी कि जो आपका राजस्व अधिकारी ऑफिसर है उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा और कितने तारीख के आपका RO लेवल का निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया वो डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये दोनों जानकारी आपको कहां से मिलेगा, तो जो निवास प्रमाण पत्र होगा RO लेवल का उसी पे दिया रहता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राजस्व अधिकारी ऑफिसर का यहाँ पे नाम दिया गया और यहाँ पे देख सकते हैं 4 जनवरी 2023 को ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो यही दोनों जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है, उसको आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए और पढ़ने का दोस्तों यहाँ पे आई एग्री ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे कैप्चा यहाँ पे एंटर कर लेना। तो 6629334 है, तो मैं यहाँ पे 6629334 एंटर कर लिया, उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए सबमिट बटन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको सबमिट बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, यहाँ पे आपके आवेदन का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, तो इनमें आपको पूरे जानकारी को एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है और चेक करने का दोस्तों के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अटैच अनेक्सर, सिंपली आपको अटैच अनेक्सर पे इस तरह से क्लिक कर देना है।
अटैच अनेक्सर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तो यहाँ से आपको दोस्तों राजस्व अधिकारी द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया वो निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो पहले आप इस तरह से निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका निवास प्रमाण पत्र होगा राजस्व अधिकारी द्वारा जो जारी किया गया वो निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो आप जो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे जैसे फटाफट से निवास प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक और दस्तावेज अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अब इनमें देखिए बहुत सारा दस्तावेज का नाम दिया गया, तो इनमें से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपका आधार कार्ड है दोस्तों वो आपको आधार कार्ड यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सिंपली सेव अनेक्सर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब सेव अनेक्सर पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आपको फिर से एक बार फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, तो आप इनमें एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लीजिए। और चेक करना दोस्तों जो भी आप दो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हुए उन दोनों डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना, और यहाँ देखिए आपको सबमिट बटन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको सबमिट बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए आपका एसडीओ लेवल के लिए सफलतापूर्वक निवास प्रमाण पत्र आवेदन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आवेदन की तिथि, जितने तारीख को आप आवेदन करेंगे वो डेट आपको देखने को मिल जाएगा, और कितने तारीख तक में आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये जो रिसीविंग मिलेगा, इन रिसीविंग को या तो पीडीएफ में आप सेव करके रख लीजिए या फिर प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। अब जैसे आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा उसके बाद आप डाउनलोड करना चाहेंगे, तो डाउनलोड कैसे होगा, हालांकि आपको जो सो ईमेल पे पीडीएफ के रूप में और मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से एक लिंक भेज दिया जाता है, तो उस लिंक के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर भी अगर आप ऑनलाइन खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस आर्टिकल पे आ जाना है, और इस आर्टिकल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा ऑल सर्टिफिकेट डाउनलोड क्लिक हियर, सिंपली आपको क्लिक हियर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपसे दो जानकारी मांगा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, तो जो आपका रिसीविंग होगा जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रिसीविंग है, और यहाँ पे देखिए आवेदन संख्या जो ये दिया गया यही नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आप जो सो आवेदन संख्या या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर कर लीजिए, और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आपको एंटर कर लेना है, उसको आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा है, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करें तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से एसडीओ लेवल का निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।